Mi ha rimgiù da Barsairi. कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी भैया, मतलब कि कुछ देखने को अच्छा मिला है, इतना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा यहाँ पे वीडियो बना रही है। अच्छा यहाँ पे ठंड वाले मौसम में ये सब पूरा बर्फ हो जाता होगा ना, रोड पे भी बर्फ हो जाता है, रोड पे भी श्रीनगर में एयरपोर्ट के सामने भी बर्फ ही बर्फ। हे गाइस, तभी यहाँ, अरे यार इतना ठंडा, अभी यहाँ से थोड़ा ठंडा नहीं हो रहा है और इतना ज्यादा इंक्वायरी हो रहा है, ये इंक्वायरी होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी अभी लग रहा है कि हम किसी जन्नत में जा रहे हैं, बहुत ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। अब ऐसी की जरूरत नहीं है भैया, बंद कर दो आगे हम लोग का जैकेट। हाँ जैकेट हम तो नहीं पहने, मम्मा कहाँ लेके आई है आपको, भैया यहाँ पे लिखा है ड्राइव स्लो, बहुत सुंदर लग रहा है। वंदना दी देख लो, बोल रही थी ना कहाँ गई हो, देख लो इतनी सुंदर सुंदर जगह है, बाप रे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे सकल को ही दिखाए तब तो हम अपनी आवाजों को बोले। कैसा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है, सभी लोग अपना ऐसी। अरे बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही इधर, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ, बादल नहीं है ना, वाइट वाइट जो, हाँ हाँ जो वाइट वाइट है। यहाँ पे सारे सामान को हमारे निकाले गए हैं, एक एक चीज चेकिंग होंगे और सब सब कुछ चेकिंग होगा और पूरा सामान देख सकते हैं हम लोग का निकल गया है वहाँ से। रुक जाओ बेटा, नहीं कृतिक का भी पूरा चेकिंग होगा, सबका चेकिंग होगा। अच्छा आप बहुत मजा आया ना, यहाँ पे हम लोग के सारे चीजें चेकिंग हो गए हैं, अब सारे लगेज रखे जा रहे हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ्टी होना हम ही लोग के लिए सब कुछ हो रहा है और हम ही लोगों को तो ये सब करना पड़ेगा, तो इसमें बुरा किसी को मानना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार क्या ये तो कर रहे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, मम्मा का लिपस्टिक मिट गया है, हाँ बुआ देख रही होंगी वीडियो, मौसी देख रही होंगी, नानी देख रही होंगी, सब लोग देख रहे होंगे वीडियो। क्या बात कर लो ना अंशु इससे, क्या बात करना चाहता है, क्या अंशु थू थू अंशु अंशु फिर आप लोग तू सिखाइए अंशु, अगर तुम ऐसे बोलोगे ना अंशु 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 तो बोलेगा अंशु अंशु नीचा जा रहे, चलो बैठो आप लोग, तब तो बैठूंगी, मेरा लिपस्टिक मिट गया है, मैंने देख लिया। एक ही चीज कितना दिखाएंगे झील झील यार,
लेकिन ये बहुत ही कुछ पहुंच चुकी हूं और यहां का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गाइस मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, मैंने हाथ में फ़ोन लिया था और मैंने मेरा दिमाग ही नहीं काम किया कि मैं ऐसे चीज़ों को शूट करूं। सब लोग ऐसे खड़े थे, सब लोग आगे गए थे, मैं बना रही थी थंबनेल और यहां पे ना घोड़े वगैरह बहुत सारे हैं, तो मेरे से किसी ने बोला मतलब कि मैं लगा रही थी तो मुझे ना जिसे दिमाग में नहीं काम किया, मेरा दिमाग नहीं काम किया तो बोला कि किट्टू तुम साइड हो जाओ, और साइड में खड़े होने का कोई जगह ही नहीं था। और मैं इतना दूर से पैदल आई थी, मैं इतना तेज़ दौड़ी कि मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। तो अगर मेरे सामने दो तीन भैया नहीं आते तो मैं शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और मुझे दौड़ के आना पड़ा, मुझे भैया के साथ आना पड़ा। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि घबराहट बेचैनी से होने लगा कि भाई सब लोग तो पहुँच गए, मैं अकेले यहाँ पर हूँ। और एक्चुअली बात ये था कि ना घोड़ा भी मुझे दौड़ा रहा था, मेन बात अगर वो दौड़ाता नहीं ना तो फिर मुझे डर भी नहीं लगता, नॉर्मल से अगर जाता तो फिर मुझे लगता है हाँ ये मारने लगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा इसलिए मैं दौड़ के आई। फिर बाकी यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, वहाँ पे सचिन भाई यहाँ, ये इस बार हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मौसम मतलब कुछ क्या बहुत हद तक ये मौसम अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झील है, यहाँ पे हम नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे कृतिक भी मेरा बहुत सारा मस्ती कर रहा है। बाकी आप लोगों ने व्यूज़ देखा, कितना प्यारा प्यारा व्यूज़ था। तो अभी हम चलते हैं, आपको हम बाहर से ही टूर कराते हैं, आप लोग देखिए। बाहर से मतलब कि छोटा है लेकिन अंदर से हमको लगता है सुंदर होगा, तो हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। और सारे रूम ऊपर है, ये सारा हमने बुक कर रखा है और बहुत ज्यादा अच्छा है। कृतिक अपनी मम्मा के साथ हैप्पी हैप्पी है। ओह माय गॉड, ये ले लिया देखिए, यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पहले इधर आइए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं यहाँ से अच्छा, दीदी बीच में जा सकती है, ऐसा थोड़ी है। अरे तो सब कुछ दो ही में सब किसी को रहना ना, ये देखो मैं बता, ये बहुत अच्छा है। ये चाबी हम लोग का है क्या, बारात है ना तो इसी से जाना। मेरा कौन सा दो ही रूम, दो ही रूम है, दो ही रूम है, कोई बात नहीं। वैसे भी तो कहां नहीं, तो देखते हैं। अरे दो ही रूम में कैसे हो जाएंगे, आप देखिए अगर नहीं होगा तो तीसरा रूम भी है, पूछ लेते हैं सचिन भाई से आते हैं। हाँ भाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दीपक भाई का फोन आ गया है क्योंकि वो पूरे जगह घूम चुके हैं तो उनको सब कुछ आइडिया है। और यहाँ से बस आप लोग ये वीडियो देखकर भी कमेंट ये करना कि अमरनाथ यात्रा यहाँ से बहुत पास में है और यहाँ का मौसम भी इस टाइम इतना सुंदर बन गया है। मैं तो सोची चलो बाहर खा लूंगी, लेकिन कृतिक को मेरे बहुत बेटा गर्म बहुत है, लो चलो अब नीचे चला जाए, बहुत तेज आनी पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है। चलो ठीक गाइस, तो अभी हम मैगी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने सुना है कि पहाड़ों पे अगर मैगी खाओ तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमने बार बार ब्लॉग में यही बोला था कि मैं जो ठंड वाले कपड़े हैं ला करके बहुत पछता रही और सारा ब्लेम मैंने सचिन भाई पे डाला था। पर मैं इस ब्लॉग के ज़रिए अगर वो मेरा ब्लॉग देखेंगे तो मैं उनको दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत ही खोटे खोटे बातें सुना दिए थे। तो अब मुझे जैसे एहसास हो रहा है कि मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि जब से आए थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने बोला कि आपने इतना मेहनत से हमको बोल दिया कि ये कपड़ा ले लेना वो कपड़ा ले लेना, हम लेके चले आए थे लेकिन उस चीज़ को मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ा था। सच में मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और अब ठंड लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ज़रूरत के कपड़े हमने सही लाया है, जैसा कि हमने बोला था ब्लॉग में कि हमको ले कर चलना चाहिए भले ही हमें बोझ उठाना पड़े। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि काम की चीज़ें आ गई, बाबू के लिए सबसे ज़रूरी बात है, और मैंने ये ठंड वाले कपड़े नाइट सूट पहन लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखिए वहाँ से ये हंस रही हैं, स्माइल पास कर रही हैं, जो भी इनके मन में चल रहा है मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में क्या सोच के हंस रही हैं। तो काम आ गए वही चीज़ तो मैं बता रही हूँ, मैंने कितना पता है अब ना पैर भी ठंड लग रहा है,
और पैर भी जैसे गल रहा है ना, मतलब जमीन गल रहा है। उस रूम में डालती तो और ठंडा लगता, उसमें एकदम डायरेक्ट आ रहा है ना क्या, उसमें और ज्यादा ठंडा लगता। क्यों, उधर से सब खुला है तो इधर से भी तो खुला है, इधर भी खुला ही है, सब सेम है, सेम ही है, लेकिन उधर ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, और आप लोग देख सकते हो कितना मस्त व्यू, मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है घूम करके, मन एकदम। और यहाँ से अमरनाथ यात्रा ना बहुत पास में है, बस बच्चे को लेकर के जाना मुश्किल है, नहीं ले जा सकते हैं। बाकी हम मैगी खाते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ पे सब लोग मैगी खा ही रहे हैं, तो चलिए हम मैगी खा करके आप लोग से कुछ देर जा रहे हैं नीचे फाइनली रील बनाने। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। आप नहीं चलोगी मनीषा? चलो, ऐसा क्यों सोचती हो, कोई नहीं है तुम्हारा, तुम रोगी इतना। चलते हैं गाइस, अभी वो लोग आ रही हैं तो हम चलते हैं, फाइनली रील्स वगैरह बना लेते हैं। ये बस खाली जमीन का बना हुआ, नहीं तो सारे तो लकड़ी के बने हुए, और बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है। ये देखो कितना अच्छा व्यूज है, और हम चलते हैं यहाँ पे रील्स वगैरह बनाते हैं, झील वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को, बाकी आप लोग देख सकते हैं। हम रील्स बनाएंगे, हम आपको ऐसे बिहाइंड मतलब कि बैक कैमरा करके दिखाते हैं। इतना सुंदर झील लग रहा है गाइस, क्या बताएं। अब मैं रील्स बनाऊंगी यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बैठ करके खाने पीने का मज़ा कुछ ही अलग था, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, देखो हमारा तो कोई शूट ही नहीं कर रहा है, मैं आपको अपने चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मैं छाता लेके आई हूँ यहाँ पे, और बारिश हो रही अच्छे से। ये खोलेंगे क्या आप? खोलेंगे, ये खोलेंगे जी हाँ। चलिए, वाह, ये देखो आप लोग, अच्छा लग रहा है ना। किसी की यादों में खोई हुई खाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सो। ये देखो आप लोग, ठंडा लग रहा है इसलिए बाबू को हम मोजा दस सब पहना के लाए हैं। बारिश इतना नहीं हो रहा है ना ये गाइस, अभी ये यहाँ पे स्लिप खा के देखिए निशान पड़ गया, इनको हंसी आ रही है, मेरा पति गिर गया। हंसी आ रही है? नहीं, मैं रोई हूँ। आप नहीं रोई हैं, ये रोया है कृति। मेरा दिल उसका दिल एक ही है ना, ये तुरंत रोया है। पानी में गिरने से बच गया है। क्या गाइस, हमने यहाँ बहुत सारे रील्स बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, मजा आ गया। लेकिन सुबह में आ जाएगा ना, फिर बाल गीले हो गए, गंदा लग रहा है, सूख जाएगा। बाल से, नहीं, बाल से लुक नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी तो रील्स बना सकते थे ना, यहाँ पे सुबह में बनाया जाएगा। हाँ ये तो है। गाइस हम यहाँ पे रूम पे आ गए हैं, और यहाँ पे आके सच में इतना ज्यादा खुशी मिल रहा है, इतना ज्यादा खुशी मिल रहा है। और देखो जहाँ भी कहीं भी जाओ ना, पहले दिन बुरा ही होता है, उसके बाद अच्छा ही अच्छा होता है। और इसी वीडियो के ज़रिए हम बहुत सारे लोग को ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे आओ और घूमो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में जन्नत है, जन्नत। अगर
खुशी का, अगर किसी को ज़्यादा जैसे कोई सैड है और किसी को बहुत अच्छा फील करना हो, बिल्कुल शांति पीस जगह जाना हो, तो ऐसे स्थानों पे आओ, मन बहुत शांति हो। ये कौन सा जगह है मनीषा, बताना है तो तुम्हारा रखी हो ना, क्या है पहलगाम? हाँ पहलगाम है, पहलगाम में ये कौन सा जगह है? पहलगाम में ये कौन सा जगह है? उसको मत दिखा, नहीं दिखा रहे। पहलगाम ये जगह का नहीं पता, बस पहलगाम पहली बार आई हो? पहलगाम ही तो है, मार्केट में पहलगाम तो घूमे है, बिल्कुल मेन मार्केट में। तो हमारे कृति को थोड़ा नींद आ रही है, तो मैं इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, ब्लॉग को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, कल सुबह देखिएगा ना धमाल मचा दिए तो बता देना।